सोशल मीडिया के यूट्यूबर और ब्लॉगर रहे दानी जहन का 20 दिसंबर 2018 को कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, जिसके बाद उनके सोशल मीडिया पर जितने भी फैंस थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन अब जी हाँ, करीबन काफ़ी समय के बाद एक बार फिर से दानिश जहन को लेकर के और उनके निधन को लेकर जिक्र हो रहा है, और जिक्र का कारण है दानिश जहन का आया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी हाँ, दानिश जहन का आज से 3 दिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, जहाँ पर दानिश जहन के बतौर एक्सीडेंट के तौर पर उनका निधन बताया गया है। जी हाँ, और कहा जा रहा है कि गाड़ी में आई चोट की वजह से दानिश जहन को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आईं और जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो वहीं सोशल मीडिया पर उनके भाई ने भी ये कई बार जिक्र कर दिया है कि दानिश जहन का जो एक्सीडेंट हुआ है वो महज एक कार एक्सीडेंट है, ना कि किसी की सोची समझी साजिश। लेकिन उन दानिश जहन के फैंस के माने तो उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा कि एक ही गाड़ी में 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोग सही सलामत है और सिर्फ दानिश जहन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो दानिश जहन का निधन एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।